नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, बात करेंगे विश्व के प्याज बाजार की और पूरा वैश्विक बाजार का, जो प्याज का जो है उसका पूरा अवलोकन इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कर आल पर प्रेस कर दें। चलिए जानते हैं वैश्विक बाजार का पूरा अवलोकन। तो कई देशों में इस सर्दी में प्याज की मात्रा कम हो गई है, और स्पेन में अगर 40% तक की कमी आई है। जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में कम महत्वपूर्ण लेकिन अभी भी उल्लेखनीय नुकसान हुआ है। बड़े आकार विशेष रूप से खोजने में काफ़ी कठिन हो रहे हैं, और आपूर्ति की कमी में वैश्विक बाजारों में कीमतें को बढ़ाया है। यह उत्पादकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो उच्च उत्पादक लागत का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या उपभोक्ता इन कीमतों का भुगतान करने के इच्छुक होंगे। हालांकि मांग अभी भी तक बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नीदरलैंड के प्याज की। तो सीजन के दूसरे भाग पर सभी की निगाहें प्याज बाजार के बारे में एक डच निर्यातक का कहना है कि यह एक विवादास्मक वर्ष है। पिछले वर्षों की तुलना में इस अवधि में मांग अभी भी पीछे है। यह एशियाई बाजार में विशेष रूप से स्पष्ट है, जबकि पिछले वर्षों में हम फिलीपींस को बड़ी मात्रा में बेचने में सक्षम थे। अब हम चीनी प्याज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमत पर बहुत दृढ़ हैं। इस साल सब कुछ वैश्विक बाजार में डच प्याज की भूमिका को भी दर्शाता है। इसके साथ ही जब तक प्याज की भूमिका स्थानीय फसल पर्याप्त हो जाती है, तब तक डच निर्यात अंतराल को भरने के लिए बहुत महंगा रहेगा। इसलिए सभी की निगाहें सीजन के दूसरे भाग पर टिकी हुई है। पिछले वर्षों में व्यस्त अवधि का संक्रमण वर्ष की बारी के बाद ही हुआ था। व्यापारी को मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वी यूरोप से अधिक मांग के कारण व्यस्त अवधि पहले बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करेंगे दोस्तों जर्मनी के प्याज की। तो जर्मनी में सूखा मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वर्षा की कमी और लगातार सूखे के कारण इस साल जर्मन प्याज की फसल काफ़ी निराशाजनक रही हैं। एक बड़े सहयोग का कहना है कि भाई पहले ही पूर्वी यूरोप में बड़े आकार के लिए अच्छी पूछताछ मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। हम अब घरेलू बाजार की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस साल मौसम की स्थिति के कारण भी पीले प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सप्ताह के सूखे के बाद फसल के समय बारिश शुरू हो गई, और यही कारण है कि कटाई स्थगित भी करनी पड़ी। छोटे आकार और गुणवत्ता की समस्याओं के कारण इस साल काफ़ी कम भंडारण योग्य उपज हुई है। फरवरी मार्च तक हम शायद सक्षम हो सकते हैं और खुदरा कार्यक्रमों को पूरा कर लेंगे। अप्रैल में माल पर दुर्लभ हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया निर्यात की अच्छी स्थिति है, और ऑस्ट्रेलिया प्याज बाजार स्थिर भी है। एक पर्याप्त आपूर्ति संतोषजनक बिक्री की स्थिति को पूरा कर रही है, और विशेष रूप से निर्यात बहुत अच्छा कर रहे हैं। घरेलू बिक्री हमेशा की तरह शांत है लेकिन स्थिर है। पिछले सप्ताह का मूल्य स्तर समग्र रूप से जारी रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आकार और गुणवत्ता के आधार पर प्याज की कीमतें साफ और बक्सों में क्रमबद्ध अभी भी ज़्यादातर 30 से 35 यूरो प्रति 100 किलोग्राम हैं। अगर बात करें दोस्तों फ्रांस के प्याज की, तो फ्रांस गर्मी के मौसम से बिक्री में देरी हुई है। इस समय सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों में फसल के लिए उल्लेखनीय कमी देखी जा सकती है। विशेष रूप से प्रभावित बड़े और बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिनमें से 15 से 20% की कमी होती है। जहाँ तक बिक्री का सवाल है, तो बिक्री मौसम का अनुसरण कर रही है। आज की गर्मी का मौसम, जबकि ये शरद ऋतु है, पीले और लाल प्याज दोनों के लिए खपत को अवरुद्ध किए बिना प्याज की बिक्री में देरी कर रहा है। एक खपत जो ठंडे मौसम के साथ अधिक गतिशील होगी, ऊर्जा लागत, पैकेजिंग और परिवहन जैसे विभिन्न कारकों के कारण पिछले अभियानों की तुलना में कीमतें अधिक बनी हुई हैं। बात करते हैं दोस्तों इटली के प्याज की। तो उत्पादन की कमी में कीमतें बढ़ी हैं। उत्तरी इटली के एक प्रमुख प्याज व्यापारी का कहना है कि मात्रा के मामले में बिक्री सामान्य है, लेकिन कीमतें काफ़ी अधिक हैं। हाल के दिनों में बोर्सा मर्सी बोलेना ने प्याज के प्रकार के आधार पर 5 या 10 किलोग्राम के बैग पैक के लिए 0.55 से 0.73 यूरो प्रति किलोग्राम की सीमा स्थापित की है। एक सामान्य वर्ष के मामले में कीमतें बहुत अधिक हैं, लेकिन उत्पादन लागत के कारण वे निर्माता और पैकर को चुकाने के लिए उचित नहीं है। व्यापारी का कहना है कि खुदरा विक्रेताओं को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मार्च से इतावली प्याज की उपलब्धता
बहुत कम हो जाएगी। जर्मनी में 42 0.42 यूरो से 0.45 यूरो प्रति किलोग्राम के आसपास प्याज के ऊपर पहले से ही उनके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों इटली में जो है 19 मिलियन से अधिक परिवार साल में कम से कम एक बार प्याज खरीदते हैं और पीले प्याज का उच्चतम स्तर लगभग 36% तक पहुँच गया है। लाल वाले 26% से अधिक दूसरे स्थान पर हैं और सफ़ेद वाले 21% से अधिक हैं। उसके बाद लिंक बोरेटाना प्याज और शैलोट प्याज या तो परिवर्तनीय वजन द्वारा बेचा जाता है या खरीद के पसंदीदा चैनल सुपरमार्केट, जहाँ तक कि जैविक चर भाग वाले प्याज की खरीद हैं। वे अब तक लगभग 2.2 मिलियन इतावली परिवारों द्वारा खरीदे जाते हैं, जो पिछले 12 महीनों की तुलना में 13% से अधिक की कमी है। अगर बात करूं दोस्तों मैं स्पेन के प्याज की, तो स्पेन में अच्छी कीमतें हैं लेकिन 40% तक कम प्याज हैं। यानी कि स्पेनिश प्याज सीजन की शुरुआत के बाद से अच्छी गति और अच्छी कीमतों के साथ बिक रहा है। 2022-23 की प्याज अभियान अब तक पिछले वाले की तुलना में बहुत अलग रहा है, जो वास्तव में विनाशकारी था। मांग स्थिर है और स्पेन के साथ साथ यूरोप के बाकी हिस्सों में प्याज के उत्पादन में लगभग 40% की गिरावट के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। पिछले सीजन के विपरीत जब औसत कीमत 8 से 10 यूरो सेंट प्रति किलो के बीच थी, तो इस साल बड़े कैलिबर प्याज की कीमत 35 से 37 यूरो सेंट प्रति किलो के बीच है, जबकि मध्यम कैलिबर की कीमत 25 से 30 यूरो प्रति किलो के बीच हैं। तो ये थी दोस्तों ताज़ा स्पेनिश प्याज की, ब्रिटिश का जो बिक्री का है वो 35 से 40% घरेलू बाजार में जाता है और लगभग 30% निर्यात किया जाता है। मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और मोरक्को अन्य गंतव्यों के बीच में। इसके साथ ही अब दोस्तों बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर कीमतें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए एक दिलचस्प प्याज का मौसम है और कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और पिछले साल जितनी तिगुनी लगभग, यानी कि R10 प्रति किलोग्राम, क्योंकि बहुत कम प्याज लगाए गए थे। यह पिछले साल एक कठिन प्याज का मौसम था। कमजोर कीमतों के साथ साथ सभी तरह की इनपुट लागत, उर्वरक, ईंधन, श्रम, परिवहन और पैकेजिंग में तेजी से वृद्धि हुई है। तो कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी और बीमारी के दबाव के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से बढ़ गया है। 20 से 30% कम प्याज लगाए गए थे और अब बाजार में सामान्य मात्रा का आधा हिस्सा ही बचा है। बाजार इस समय लिम्पोपो प्रांत में उगाए गए प्याज से उत्तरी कैंप और पश्चिमी मुक्त राज्य में संक्रमण कर रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि क्रिसमस तक प्याज की कीमतें मजबूत बनी रहेगी, जो आमतौर पर साल में प्याज की सबसे मजबूत बिक्री अवधि में से एक है। अगर बात करूं दोस्तों भारतीय प्याज की, तो भारतीय प्याज के लिए कीमतें और बिक्री में अभी वर्तमान समय में लासलगांव महाराष्ट्र में बेचमार्क का प्याज की कीमत 1200 से 1220 से लगा करके 2500 और 2800 प्रति 100 किलोग्राम है, जो एक साल पहले की तुलना में 20% अभी भी कम देखने को मिल रही है। पिछले 3 वर्षों के 2354 प्रति 100 किलोग्राम के मौसमी औसत से काफ़ी कम है। अप्रैल जून के दौरान रबी प्याज की कटाई देश के प्याज उत्पादन का लगभग 65% है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल की कटाई तक उपभोक्ता की मांग को पूरा करती है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण खरीफ की कटाई वाले प्याज का भंडारण नहीं किया जाता है और इस प्रकार सीधे बाजार में प्रवेश कर दिया जाता है। प्याज की कीमतों में अक्टूबर या नवंबर में तेजी उछाल नहीं देखा जा रहा है, जैसा कि कुछ साल पहले हुआ था, क्योंकि भंडारण में बुनियादी ढांचे के साथ उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, तो 2022-23 के लिए प्याज की आपूर्ति जारी रहने की उम्मीद कम आपूर्ति और उच्च मांग पिछले साल की तुलना में अधिक सीमित है। वाशिंगटन में जो इस साल फसल हल्की है और वाशिंगटन में बढ़ने और कटाई की अवधि में मौसम के कहीं ऐसे अनुकूल परिस्थितियां आई हैं जिससे पैदावार प्रभावित हुआ है। एक शिपर जी कहते हैं कि जनवरी के अंत तक अपने वाशिंगटन सीजन को समाप्त करने की उम्मीद करते हैं, जो सामान्य से लगभग 1 महीने पहले या उससे भी पहले हो सकता है। तो देर से गर्मी में प्याज की कीमत बढ़कर लगभग $20 प्रति बैग हो गई है और एक संख्या जिसे रिकॉर्ड स्तर तक माना जाता है। अभी भी $14-15 प्रति बैग तक बस गया है और
उम्मीद कर रहे हैं कि वसंत तक ये भाव स्थिर रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पेरू की, तो पेरू को जो स्पेन को विस्थापित करते हुए कोलंबिया पेरू के प्याज के लिए दूसरा मुख्य गंतव्य बन गया है, यानी कि रोपण इरादों के पिछले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि 2022-23 कृषि अभियान के लिए पेरू में प्याज के साथ लगाए गए क्षेत्रों में 5.8% की कमी आएगी। इसके साथ ही आलू, चावल और गाजर की फसलों को साथ जिनकी बुआई का इरादा कम है, यूरिया के वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे बोए गए क्षेत्र को संतुलित करने और इस प्रकार प्रभाव को कम करने में योगदान की उम्मीदें। इस संबंध में कृषि विकास और सिंचाई मंत्रालय ने ग्रामीण कृषि उत्पादक विकास कार्यक्रम के माध्यम से अनंत नाइट्रोजन यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय खरीद का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके अलावा FOB मूल्य से 65% हिस्से के साथ पेरू के प्याज निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य गंतव्य बना हुआ है, लेकिन साल के पहले महीने में कोलंबिया, जो देश के साथ एक सीमा साझा करता है, ने पेरू के प्याज की खरीद में वृद्धि की, जब तक कि कब्जा नहीं कर लिया। स्पेन को विस्थापित करने वाले 19% की भागीदारी के साथ दूसरा स्थान, जो 11% की भागीदारी के साथ पेरू की सब्जी के लिए मुख्य स्थलों की रैंकिंग में एक स्थान पीछे चला जाता है। पिछले साल के अंत में स्पेन को निर्यात FOB मूल्य का 21% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कोलंबिया निर्यात केवल 10% का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलियाई प्याज के लिए एक सामान्य मौसम। न्यूजीलैंड अभी भी महामारी के प्रभाव को महसूस कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्याज इस सीजन में पूर्ण उत्पादन स्तर पर वापस आने की उम्मीद है। उद्योग निकाय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्याज का रकबा काफ़ी स्थिर है और इस सीजन में लगाए गए हेक्टर की संख्या पिछले साल के समान थी। तो क्विंसलैंड में रोपण के तुरंत बाद गीला मौसम आ गया, जिसके कारण कुछ समस्याएं हुई। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में एक सामान्य मौसम के लिए ट्रैक पर हैं। क्विंसलैंड लगभग 4 से 6 सप्ताह में ताज़ा उत्पादन के साथ ऑनलाइन आने वाला है। इस स्तर पर बाजार काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। शीर्ष उद्योग निकाय इस स्तर पर भंडारण गुणवत्ता के संबंध में किसी भी मुद्दे की उम्मीद नहीं कर रहा है। 30 जून 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए न्यूजीलैंड में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्याज का निर्यात मूल्य $145 मिलियन था, जिसमें से 56% दो बाजारों में भेजा गया। महाद्वीप यूरोप $49 मिलियन और इंडोनेशिया $33 मिलियन, यह $148 मिलियन की मामूली गिरावट थी। COVID-19 के प्रभाव से श्रम आपूर्ति, बाधित आपूर्ति श्रृंखला और बाधित खाद्य सेवाओं के माध्यम से सभी बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हालांकि 2020 से वॉल्यूम थोड़ा अधिक था, 190 टन से 208 टन तक। न्यूजीलैंड में प्याज उगाने वाले तीन सबसे प्रमुख परिषद क्षेत्र ऑकलैंड, वाइकाटो और कैटरबरी थे। तो दोस्तों ये था पूरा वैश्विक बाजार अवलोकन, जिसमें मैंने ओशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही पेरू और उत्तरी अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ स्पेन और इटली, फ्रांस और जर्मनी, नीदरलैंड, इन सभी देशों में प्याज उत्पादन के संबंध में पूरा डिटेल से आपको बताया है और किस प्रकार से प्याज की अभी वर्तमान समय में स्थिति है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों धन्यवाद।